आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन सेवई। इसके लिए हमें एक कटोरी सेवई, दो टमाटर, चार हरी मिर्च, एक आलू, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, जीरा, सरसों, मैगी मसाला लेना होगा। तो पहले हम सेवई को बॉईल करेंगे जरा सा नमक और जरा सा तेल डालकर। सेवई बॉईल होने के बाद हम उसे हल्का फ्राई करेंगे। अब सेवई फ्राई हो गया है। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों जीरा डालेंगे। फिर बारीक कटे हुए आलू, प्याज, मिर्ची डालेंगे। इसको ढककर पकाते रहना है। मैं हल्दी, नमक, टमाटर डालना है। टमाटर को अच्छी तरह से पकाते रहना है ढककर। टमाटर पकने के बाद हम फ्राई किए हुए सेवई को डालेंगे। सेवई डालकर अच्छी तरह से चम्मच चलाना है। अब इसमें मैंने मैगी मसाला डाला है। अब इसे ढककर 5 मिनट पकाना है। यहाँ पर मैंने ऊपर से धनिया पत्ती डाली हूँ। अब हमारा नमकीन सेवई तैयार है।